इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 पालमपुर गांव की कहानी भाग 4, जिसमें हम पढ़ेंगे 5 नंबर से श्रम की व्यवस्था कौन करेगा, मतलब मजदूरों की व्यवस्था, मजदूरी की व्यवस्था कौन करेगा। इसके पहले हमने ऊपर बाकी का टॉपिक पढ़ चुके हैं, अब इसके नीचे पढ़ेंगे। भूमि के पश्चात मतलब भूमि के अलावा श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यकता कारक है। कोई भी श्रम का दूसरा आवश्यकता उसका कारक मतलब जरूरी। खेती में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है और खेती बाड़ी जो करता है उसको पता है कि कितना मेहनत करना पड़ता है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, ये बात सही है। गाँव बिरादरी में आप जाकर देखोगे तो परिवार के लोग ही काम करते हैं, क्योंकि उनके पास जमीन बहुत कम रहता है। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को रुपए पर लगाते हैं, मतलब जो बड़े बड़े मतलब खेतिहर लोग हैं जिनके पास खेत है, बड़े किसान, वो बाकी श्रमिक को मजदूरी पर रख लेते हैं कि हम तुम्हें मजदूरी देंगे, तुम मेरे लिए काम करो भैया, और काम करो हम तुमको पेमेंट देंगे, पैसा देंगे। अब देखते हैं, आइए चर्चा करें कुछ बातों पे। खेतों में किए जाने वाले कार्यों को चित्र 1.6 में पहचानिए तथा इनको उच्च क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब एक डिसेंडिंग असेंडिंग जो इंग्लिश में बोलते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर नीचे से ऊपर कीजिए और उसमें आप लिखिए खेतों में काम करने के लिए श्रमिक या तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लॉटों में खेती करने वाले परिवारों से। जितने भी मजदूर होते हैं वो बहुत उनका छोटा परिवार होता है, उन्हें तो छोटे छोटे प्लॉटों में काम करने वाले होते हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों का उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता जैसे किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। अब देखो, किसी के भी खेत में तुम काम करते हो तो तुम्हें उस खेत का सामान नहीं मिलता है, केवल मजदूरी मिलता है, मतलब पैसा मिलता है। दुनिया में सबसे ऊपर रखा गया है खेती का कारोबार, किसानी का कारोबार। जो किसान का काम करता है वो प्रथम श्रेणी में गिना जाता है, जो बाकी सब में काम करता है व्यापार में वो तृतीय श्रेणी में, और द्वितीय श्रेणी में होता है जो शिक्षा दान करता हो मुफ्त में, पैसा वाला नहीं। आजकल पैसे स्टडी को पैसा का अड्डा बना दिया गया है, इसीलिए मैंने सोचा 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन PhD सारा चीज का पढ़ाई आपको फ्री इसी पोर्टल पर मिलेगा बिना पैसा का। आप देखो, अपनी तैयारी करो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। लेकिन हाँ, हर समय एक लक्ष्य बनाकर रखो, बिना लक्ष्य बनाए कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, सही बात है, और वह भी बहुत कम दिनों के लिए रखते हैं। कोई भी किसान जितना समय खेती होगा तभी आपको रख सकता है, ज्यादा समय तो नहीं रखेगा। धनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा। हार्वेस्टर क्या होता है? हार्वेस्टर खरीदा है। हार्वेस्टर वो खेती बाड़ी के लिए एक जरूरत में आता है, जोतने वाला। इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम कम मिलेगा। हार्वेस्टिंग का जो कटाई हो गया ना, तो जो काटता है फसल को उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि वही बोल रहा है कटाई का काम कम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम समय काम किया है, मतलब 5 महीने से भी कम काम किया है पिछले महीने में। हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, हाँ कटाई के लिए ही हार्वेस्टर यूज होता है, और गहाई के लिए थ्रेसर। अब देखो, काट तो लिए, अब उसको हम देवड़ी करेंगे, तो देवड़ी करने का होता है गहाई, हिंदी में बोलते हैं उस मशीन को थ्रेसर बोलते हैं। एक तरफ से गेहूं का पूरा लाद डालो, एक तरफ से भूसा निकल जाएगा और नीचे गेहूं नीचे आ जाएगा। यहाँ तक कि खर पतवार को साफ करने के लिए भी कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं,
और जो खेत में खत पतवार घास वगैरह होता है उसको भी खत्म करने के लिए सब लोग आजकल कीटनाशक और खर पतवार मतलब नाश करने वाला एक लिक्विड आता है, लिक्विड को छिट देते हैं, सब चीज खत्म होता है। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछले गर्मियों में मतलब पिछले वाली जो गर्मी थी उसमें 1,000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था मैंने इसे कैसे चुका पाऊंगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। ये जो मध्य वर्ग से भी नीचे के लोग होते हैं ना, जो आदिवासी जनजाति ये लोग जो आते हैं, दलित वाले, दलित पिछड़ा, इन लोगों को पैसे कमाने में आज भी दिक्कत है। ऐसा कोई मानने वाला बात नहीं कि इन लोगों को दिक्कत नहीं है, आज भी दिक्कत है। बीमारी के वजह से बाकी लोग इलाज करवा लेते हैं लेकिन ये लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं, मर जाते हैं। तो ये कुछ सच्चाई है जो हर किसी को समझना चाहिए। अगर आप पढ़ लिख कर इतना अमीर बनो कि एक एक गांव को, मतलब मैं नहीं जानता कि इस वीडियो को कितने लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी पढ़ रहे हैं उसमें से 100 भी अगर बिजनेसमैन बन गए ना, तो समझ लो कि 100 गांव को गोद ले सकते हैं। गोद लेने का मतलब हो जाएगा कि आप उस गांव के खाना पीना रहन पोषण पानी वगैरह का सुविधा आप दे सकते हो, उसके पर बीमारी के लिए दवा दारू का इस्तेमाल आप कर सकते हो, उसके लिए दे सकते हो, उसको क्या दिक्कत है उसको आप सुलझा सकते हो। मतलब एक समझो कि आप उस एरिया के लीडर हो, मुखिया, आप उसके भलाई के लिए जो करो। देखो इसका जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभव ही सबसे आगे होता है, अनुभव के आगे डिग्रियां कुछ नहीं होती है। क्योंकि अगर हम स्कूल इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़े ही नहीं तो डिग्री तो मिलेगा ही नहीं। तो हमें उसके लिए चाहिए कि हम पढ़ाई करें, कोई जरूरी नहीं है कि डिग्री के लिए ही पढ़ें, अपने इच्छा और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ो। इस वर्ष मुझे रायगंज में, रायगंज एक जगह का नाम है, रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ी। ईंट भट्टा क्या होता है? जो चिमनी पर जहां ईंटा पकाया जाता है ना, भट्टा ईंटा पकाने वाला, तो वहां पर काम करना पड़ा। मेरी स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देता है। और पिछला जो हम ऋण लिए थे, लोन लिए थे, उसके कारण साहूकार मुझे अगला भी बकाया नहीं दे सकता कुछ भी का। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकता है। अब देखो मजदूरी आप नगद ले लो, नहीं तो कुछ सामान ले लो, नहीं तो अनाज ले लो, इतना के रूप में होता है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। बात सही है कि जो काम करवाता है भोजन भी देता है, एक टाइम का देगा लेकिन देगा। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होता है। खेत में देखो काम कैसे कैसे होता है, एक क्षेत्र में काम करो फिर दूसरे क्षेत्र में, एक फसल का काम करो तो फिर दूसरे फसल का, एक तरफ कटाई चल रही है तो एक तरफ बुआई चल रही है, तो इसके जैसा खेती का काम मिलते रहता है। रोजगार के अवधि में भी काफी विभिन्नताएं हैं। खेती में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं। दैनिक मजदूरी मतलब रोज खुआ कमुआ, आज कमाएंगे खाएंगे, आज कमाएंगे खाएंगे, नहीं कमाएंगे नहीं खाएंगे, या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। तो डाला नाम का एक आदमी है जो पालमपुर में दैनिक मजदूरी करता है, जो उसके पास जमीन नहीं है, केवल वो भूमिहीन श्रमिक है, जमीन नहीं है, केवल वह श्रमिक है, लेबर है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। काम तो मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन 300 रुपया मार्च 2017 निर्धारित करती है। 2017 में सरकार ये ऑर्डर पास कर देती है, नियम निकाल देती है कि हर लेबर को 300 रुपया और राजमिस्त्री को 400 रुपया दिया जाएगा। तो यही प्रावधान चलता है 2017 में। अभी तो
450 रुपये लेबर का हुआ है और 650 रुपये मिस्त्री का हुआ है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। अब देखो कितनी कंजूसी, 160 रुपये ही देता है मालिक। पालमपुर में खेतिहर श्रमिकों में बहुत ज्यादा स्पर्धा है, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत ज्यादा एग्जामिंग है उसमें, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को सहमत हो जाते हैं। देखो स्पर्धा का वजह से ही यहाँ पर लेबरों, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है ना। केवल आप उत्तर बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का ले लो तो पूरे हिंदुस्तान की जनसंख्या यही 4 गो राज्य, बांग्लादेश भी ले लो, पश्चिम बंगाल, यही 5 गो देश, जो 5 गो राज्य जो हैं, यही पूरे पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है इंडिया की। अन्य खेतिहर श्रमिक हैं, जो भी खेतिहर हैं वो श्रमिक हैं, मेहनती हैं। डाला और रामकली, देखो डाला भी और रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है, मतलब भिखारियों में से एक है। जो डाला है और रामकली, ये दोनों एक तरह से भिखारी जैसे हैं, जिनके पास एक भी रुपया नहीं है। आइए चर्चा करें डाला तथा रामकाड़ी जैसे खेतिहर श्रमिक गरीब क्यों हैं, वो लोग गरीब क्यों हैं। गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार, देखो यहाँ पर है गोसाईपुर और मझौली उत्तर बिहार के दो गांव हैं। दोनों गांव के कुल 850 परिवार, कितने, 850 परिवार में 250 से अधिक पुरुष ऐसे हैं जो पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण इलाकों या दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में काम करते रहे हैं। मतलब ये लोग अपने गांव को छोड़कर ये लोग कहाँ चले गए हैं, बड़े बड़े शहरों में काम करने, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर में, ये सब काम करने के लिए पोस्टिंग हो गए, मतलब वहां पर ही जा चुके हैं। इस प्रकार का प्रवास अधिसंख्या भारतीय गांवों में होते हैं। और ऐसे प्रवास जो है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये अधिकतर देखा जाए तो गांव के लोगों में ही होता है। लोग प्रवास क्यों करते हैं, लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, क्या आप इस बात की व्याख्या अपनी कल्पना के आधार पर कर सकते हैं। जो भी इस बात बताया जा रहा है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, इसकी कल्पना करके आप कुछ लाइन लिख सकते हो। लिखो, लिखने के बाद आप मेल पर सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट कर सकते हैं। गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी, गोसाईपुर और मझौली के प्रवासी अपने गंतव्य पर किस तरह का काम करते हैं, मतलब वो जहां पर काम करते हैं वहां पर कैसा काम होता है, कौन सा काम करते हैं। 6 नंबर, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, यह भी लिखना है कि वो क्या काम करते हैं। खेतों के लिए पूंजी आवश्यक पूंजी है, सॉरी, खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, जैसे कोई भी खेती बाड़ी करना है तो आपको पूंजी तो चाहिए, बिना पूंजी का कुछ नहीं हो सकता। आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीकों के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अगर खेती की आधुनिक, मतलब जो भी आप खेती कर रहे हो ये आधुनिकता के कारण करोगे तो आपको पूंजी तो चाहिए, अतः अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसा चाहिए। अब जो भी किसान हैं उनको पहले से कम चाहिए था, लेकिन अब ज्यादा पैसा चाहिए इन लोगों को। अधिसंख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, और जितने भी किसान हैं इनको पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। अब देखो वहां पे जो भी किसान है वो कर्ज किससे ले सकते हैं, बैंक से लेंगे नहीं, जल्दी मिलेगा नहीं, किसानों से लेंगे। तो किसान साहूकार व्यापारी क्या करेगा, कर्ज पर जो ब्याज लगता है ब्याज दर बढ़ा देगा, ब्याज को ऊंचा कर देगा, तो वो ब्याज ज्यादा लेता है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं, और कर्ज को चुकाते चुकाते उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट को सहना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर सविता के कहानी है, मैं इसको बता ही देता हूँ। सविता एक लघु कृषक है, मतलब छोटा किसान। वह अपने 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है।
बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसों की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही 300 रुपया चाहिए। उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह वहां के बड़े किसान हैं। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर पर 4 महीनों के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाते हैं। 24% का मतलब समझते हो, बहुत ज्यादा होता है ये। उसको 3,000 रुपए की जरूरत है, 3,000 रुपए, वो भी 24%। इसमें 24% उसको हमेशा चुकाना पड़ेगा हर महीने, ऐसा संभव नहीं है। ये सब तो जल्दी जोर जबरदस्ती से लेता था सब ना, ये गलत है। इतना ब्याज नहीं देना चाहिए, 2 से 3% ब्याज दो, बाकी मत दो। जो ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, 24% एक ब्याज का बहुत ऊंचा दर होता है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता था कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी, और यह भी वचन देना पड़ता था कि जब कटाई होगा तो उस मौसम में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करना होगा, मतलब उस तेजपाल सिंह के खेतों में। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है, जो भी मजदूरी है 100 रुपया तो बहुत कम ही है। जहां सरकार बोली थी 300 देने का, ये लोग 100 रुपया दे रहा है, कम तो है। सविता जानती है कि उसे अपने खेती खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अपने खेत की कटाई करने के लिए बहुत मेहनत पड़ेगी, और उसके बाद तेजपाल के खेतों में श्रमिक की तरह काम करना होगा, और तेजपाल के खेतों में भी मजदूर का काम करना पड़ेगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस पर घर के कामों की भी बहुत जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन है, और वो ये भी जानती थी कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना कोई देता नहीं था, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ने पर गधों को भी बाप बनाना पड़ता है, ऐसा ही कुछ समझ लो आप। छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े के मझोले, यहाँ पर मझोले मतलब बिचौनिया, मझला भाई जैसा होता है ना बीच वाला, तो मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। मतलब छोटे बड़े और मझोले, इन सबको खेती में बचत होती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। इन किसानों को बचत कैसे होती है, आप इसका उत्तर अगले भाग में पढ़ेंगे। ये देखो, अब तक की कहानी को पढ़ने के बाद आपको इसको पढ़ना है और भरना है अपने बुक में। आप देखो और इसको पढ़ो और भरो। मैं भी भरवा देता, लेकिन मैं भरवाना नहीं चाहता, क्योंकि जब सब काम मैं ही कर दूंगा तो आप लोग क्या करोगे। और देखो ये 7 नंबर, अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। ठीक है, एक कहानी सुनाते हैं। एक कहानी है, एक हमारे ही पापा के एक दोस्त हैं, दोस्त नहीं समझो तो एक कलीग। तो कलीग कमा कमा कर वो 30,000 रुपया लोन लिए। ठीक है, किससे लोन लिए, मेरे पापा से। तो मेरे पापा से लोन लिए वो आज तक करीबन 2-3 साल तक, लेकिन हम ब्याज दर पापा मेरे बहुत कम लगाए हैं, इसलिए फिर भी जब जरूरी था तो लिए। तो उतना ज्यादा यारी दोस्ती नहीं है, क्योंकि उनको बिना ब्याज का कोई दे देवे, वो पैसा ब्याज पर ही लिए थे, क्योंकि बहुत वो ऐसे इंसान हैं कि कभी भी किसी किसी आसानी से कुछ लेते नहीं है, लेकिन लेते हैं तो उसको पूरा चुकाते हैं। तो बेटे के एडमिशन के लिए उनको 30,000 रुपये की जरूरत थी। वो बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए पढ़ाई कर रहा था, उसको फीस देना था। अब 30,000 रुपया लेकर उसको भेजते हैं। अब वो बेटा का नौकरी हो गया, जब 40,000 उसका पेमेंट था तो 10-10 हजार करके परिवार में भेजता था घर खर्च के लिए। ठीक है, और 30,000 जो बचता था अपने वहां पर खाने पीने उड़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। फिर होता क्या है कि उसका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन हो जाता है तो उसकी इनकम जो है 1.5 लाख हो जाती है। तो 1.5 लाख इनकम हो जाने के वजह बाद भी घर में 1 रुपया नहीं भेजता है, और वहां पर 20,000 का फ्लैट लेकर रहता है घर में, मतलब जहां पर रहता है 20,000 पर मंथ फ्लैट का फीस देता है।
समझो, एक अकेला इंसान 20,000 रुपया फ्लैट को क्यों देगा? 20,000 रुपये के फ्लैट में क्यों रहेगा? अरे भाई, कोई लड़की होगी तो ही ना रहेगा, नहीं तो क्यों रहेगा? और 12 लाख का गाड़ी खरीद लिया। अरे भैया, आपको जो पढ़ाया लिखाया, आपको उस लायक बनाया, उसको आप रोड पे कर दिए हो, बेकार कर दिए हो, और खुद आप कमा रहे हो और घर को पूछ भी नहीं रहे हो, तो आपकी जिंदगी कैसे चलेगी? आपकी जिंदगी तो नहीं चलने वाली। अब जिंदगी नहीं चलेगी तो आप रो रो के पिटोगे, क्योंकि एक दिन वो भी आपको छोड़ कर चला जाएगा, चाहे चली जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए समझने की कैपेसिटी को बढ़ाओ, क्योंकि जो आदमी लोन लेता है उसके ऊपर एक तरह से बोझ धसते चला जाता है, धसते चला जाता है, धसते चला जाता है। कभी भी जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए किसी से पैसे लेने के लिए। मेरे पापा जी भी नहीं करते हैं। उनका है कि आपको जॉब देना है, जॉब दीजिए, जितना आप तय किए हो आप उतना ब्याज हमको दे देना, बस बाकी कुछ नहीं। तो ऐसे ही जीवन है, आपको सोच समझ का काम करना पड़ेगा। जिसने माता पिता की इज्जत नहीं की, संसार भी उसकी इज्जत नहीं करता, इतना याद रखना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।